देश का बड़ा किसान आंदोलन तो आपको याद ही होगा, जिसने केंद्र सरकार को बैकफुट पर ला दिया था। अब बिहार में भी बड़ा किसान आंदोलन देखने को मिल रहा है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बक्सर चलते हैं। बिहार का बॉर्डर इलाका है, यूपी बिहार के बॉर्डर पर बक्सर जिला है और बक्सर जिले में किसान आंदोलनरत हैं और इनका आंदोलन का दायरा अब बढ़ता चला जा रहा है। ये किसान तो पिछले एक साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब आंदोलन धार पकड़ने लगी है। जी हाँ, आंदोलन का कुछ अंदाज आपको दिखाते हैं। जो किसान धरना पर बैठे हैं, अब वो लगातार वहाँ पर डटे हुए हैं, वहीं पर भोजन पानी कर रहे हैं और गाना बजाना भी चल रहा है। तो तस्वीरें आप पहले वहाँ की देख लीजिए। तो देखा आपने कि किसान अब वहाँ बड़ी संख्या में जुट रहे हैं और वहीं पर डट गए हैं और उनका साफ कहना है कि जो मुआवजा दिया जा रहा है, जो मुआवजे की राशि है उनके जमीन के बदले में, वो काफ़ी कम है, वो मुआवजा राशि बढ़नी चाहिए। तो किसान आंदोलन के लिए डटे हुए हैं और ऐसे में जो टेंट सामियाना डालकर वहीं पर बैठ गए हैं। हम आपको बताएं कि ये बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट जो बन रहा है, उसमें भूमि अधिग्रहित की गई थी और उसके बाद किसान आंदोलन पर आंदोलनरत हुए थे। दरअसल किसानों का ये आंदोलन तो लंबे समय से चल रहा है। दरअसल किसानों का की मांग है कि भूमि का मुआवजा, जो अधिग्रहित भूमि है उसका उचित मुआवजा, इलाके का विकास और रोजगार जो है वो उन्हें मिलना चाहिए। तो ऐसी मांग को लेकर जो किसान लगातार आंदोलनरत हैं और इसी आंदोलन के दौरान जनवरी महीने में एक तस्वीर भी सामने निकल कर आई थी, जिसमें पुलिस ने इन आंदोलनरत किसानों को की पिटाई कर दी थी, महिलाओं की भी पिटाई की गई थी और वो वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद काफ़ी बवाल मचा था और किसान जो है उसके बाद से लगातार डटे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उस दौरान हम आपको बताएं कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर भीषण आगजनी और तोड़फोड़ की घटना भी हुई थी। तो ऐसे में जो ये आंदोलन चल रहा है उस वक्त काफ़ी उग्र हो गया था, लेकिन किसान उसके बावजूद डटे हुए हैं और वहाँ पर अब फिर से एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। हालांकि इस मामले में बक्सर के जिलाधिकारी क्या कह रहे हैं, अंशुल अग्रवाल जो है बक्सर के जिलाधिकारी, किसानों की समस्या का समाधान कब तक? नहीं, बिल्कुल, चौसा के किसानों के साथ हम लोग निरंतर खड़े हैं, निरंतर उनसे वार्तालाप भी करते हैं, जो जो उन लोगों को समस्याएं हैं उसका निराकरण हम लोग निकालते हैं। आप लोगों ने देखा विगत 3-4 दिन पहले एक समन्वय समिति भी किसानों की मांग पे गठित की गई है अपर समारता की अध्यक्षता में, उसकी भी पहली बैठक की गई थी, उसमें भी जो सुझाव आए हैं, कंपनी को 14 से 15 दिन का समय भी उसके बाद दिया गया है। आप लोग निश्चित रूप से देखेंगे कि मतलब द्विपक्षीय वार्ता से ही किसी भी समस्या का समाधान संभव है और जिला प्रशासन उसी प्रकार से तत्पर भी है कि दोनों पक्षों का सुना जाए और जो भी किसानों की मांग है, जो भी विधिवत उनकी उचित मांग है, उस पर निश्चित रूप से उनको लाभ दिलाया जाए। आज फिर से धरने पर बैठे हैं, इसकी जानकारी हुई है, जो उससे भी हम लोग वार्ता में है, जो पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन भी वहाँ पर तैनात है। जिला प्रशासन और थर्मल पावर के जो मैनेजमेंट है उनके साथ किसानों की क्या समन्वय एक साल से नहीं बन पा रही है क्या? नहीं, निरंतर रूप से उनकी समस्याओं के प्रति हम लोग जानकारी ले रहे हैं, समाधान भी बहुत सारी उनकी समस्याओं का आए हैं, ये बात सब लोग मानेंगे। लारा कोर्ट में अभी बहुत सारे मामले जो भूमि अर्जन से संबंधित हैं वो पेंडिंग है, तो जो कोर्ट न्यायालय का निर्देश है उसी का अनुपालन भी किया जा रहा है ना। तो सुना आपने कि जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल कह रहे हैं कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट निर्माण में किसानों की मांग का बहुत हद तक निराकरण कर लिया गया है। किसानों की मुख्य मांग जमीन के मुआवजे को लेकर है, मामला कोर्ट में लंबित है, फैसला आते ही माननीय कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। तो ऐसे में किसान अभी आंदोलन से हटने वाले नहीं हैं, वहां पर डटे हुए हैं। हालांकि डीएम साहब कह रहे हैं कि किसानों की का जो आंदोलन है उसमें बहुत हद तक जो उनकी मांगे हैं वो पूरी कर ली गई हैं, उसका निराकरण कर लिया गया है, लेकिन आखिरी कोर्ट के आदेश के बाद जो जमीन के मुआवजे का मामला है
वो भी सल्टा लिया जाएगा कोर्ट के आदेश के आधार पर। तो ऐसे में अब ये आंदोलन क्या रूप लेगा, क्या कुछ होगा, क्योंकि किसान डटे हुए हैं और अब जिस तरह से दिल्ली वाले अंदाज में, उस बड़े आंदोलन के अंदाज में किसानों ने वहीं पर अपना डेरा डाल दिया है, टेंट सामियाना लगाकर बैठ गए हैं, तो क्या आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें बढ़ने जा रही है क्या? बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।